एक्चुअली पहले क्रिकेट खेलती थी, उसके बाद अब मैं कोचिंग करती हूँ, तो काफ़ी कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है अपनी फैमिली लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। बेसिकली कोचिंग मैं फिलहाल सैटरडे संडे को ही करती हूँ, क्योंकि मेरा लीव रहता है ऑफिस से, और क्रिकेट मेरा पैशन है, जो कि मैं उसको अपनी प्रोफेशनल थिंग्स के साथ में उसको कंटिन्यू कर पाती हूँ, और अपनी फैमिली के साथ भी। क्रिकेट में बहुत पहले से इंटरेस्टेड थी, बहुत छोटी थी तभी से काफ़ी मेंस क्रिकेट मैचेस देखती थी, लेकिन जब से पता चला कि वुमेंस भी क्रिकेट खेलती हैं तो इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया, और जब उनके मैचेस देखने लगी तो खुद के अंदर भी एक एंथुसियाज्म स्टार्ट हो गया कि मैं भी क्रिकेट खेलना चाहती हूँ और उस लेवल को अचीव करना चाहती हूँ जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो ब्लू जर्सी मैं भी पहनना चाहती थी और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहती थी। यह काफ़ी अच्छा मोमेंट था मेरे लिए जब मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, और काफ़ी इमोशनल मोमेंट वो था मेरे लिए जब मैंने अपने क्रिकेट को छोड़ा और नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ एंटर किया, तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, लेकिन शायद वो भी किसी ने कभी ना कभी ज़रूरी था। वो डिसीजन काफ़ी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि अभी तक सिर्फ मैं अपने एक पैशन की तरफ ध्यान दे रही थी, क्रिकेट खेल रही थी, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, लेकिन एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि मदरहुड भी काफ़ी ज़रूरी है। तो जब मैंने मदरहुड की तरफ कदम रखा तो उसके बाद मैं दोबारा से क्रिकेट ज्वाइन करना चाहती थी, दोबारा से मैं कमबैक करना चाहती थी। बस वही पैशन था कि जो मुझे उस तरफ लेके गया। काफ़ी टाइम लगा मुझे अपने आप से वो चीज़ समझने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे टाइम के अंदर एंटर कर चुकी थी जो जिससे कि शायद पीछे का सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और आगे का सोचना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन उस टाइम पे मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि मैं आगे भी क्रिकेट खेल सकती हूँ और उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकती हूँ। एक्चुअली वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं काफ़ी सारी ऐसी स्टेजेस की तरफ बढ़ रही थी और काफ़ी ऐसी स्टेजेस से मैं गुजर चुकी थी जो कि मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने आप पर भरोसा किया और काफ़ी हद तक सिचुएशंस पे मुझे काफ़ी अपने ऊपर काम करना पड़ा। काफ़ी अच्छा मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट था, जिसकी वजह से मैं अपने करियर की तरफ दोबारा देखने लगी और दोबारा से उसको फॉलो करना शुरू किया। एक्चुअली फिजिकली अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है आजकल की क्रिकेट में, क्योंकि स्पेशली जो लेडीज़ अपने पैशन को भी साथ रखना चाहती हैं, अपनी फैमिली लाइफ भी उसके साथ कंटिन्यू करना चाहती है, तो मेरे ख्याल से इसमें मेंटली और फिजिकली टफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दो चीज़ों को अगर आप एक साथ मैनेज करती हैं तो वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जिस तरीके से मेरा पैशन हमेशा क्रिकेट रहा है और मैं आगे भी अपने आप को एक कोचिंग में ढाल चुकी हूँ, तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पैशन को परस्यू करने के लिए। या काफ़ी चीज़ों से लड़ना पड़ता है एक अगर आप एक स्टेज की तरफ एंटर करते हैं, और वो चीज़ मैंने भी फेस की है। काफ़ी कुछ चीज़ों से लड़ना पड़ा है मुझे भी, और काफ़ी कुछ अपनी लाइफ की स्टेजेस है जिनको मुझे क्रॉस करना पड़ा है अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और अगर आप अपने एम को डायरेक्टली देख सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है किसी एक फैमिली का सपोर्ट के लिए, क्योंकि अगर मैं अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करना चाह रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली का भी सपोर्ट है, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी उसके साथ कहीं ना कहीं मैनेज करना चाह रही हूँ, तो मेरी जो मेरा बेटा है और मेरी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं मेरे फैमिली सपोर्ट से ही चल रही है, जिसके साथ मैं अपना पैशन और अपनी जॉब स्पेशली कोचिंग वगैरह मैं मैनेज कर पा रही हूँ, तो दोनों चीज़ें इसीलिए मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ। मैंने अभी अपनी एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें कि मैं सिर्फ सैटरडे संडेज में या फिर जो मेरा ऑफिस हॉलीडे होता है उसमें मैं कुछ बच्चों को कोचिंग करती हूँ जो कि मैंने सीखा है, और काफ़ी ज़्यादा मैं बच्चों को चाहती हूँ कि उनको मैं एटलीस्ट उस चीज़ में हेल्प करूँ जो कि मुझे बहुत ही कम अपने टाइम पे सपोर्ट मिला था। तो मैं कुछ बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट देना चाहती हूँ, ताकि उससे मुझे भी काफ़ी अच्छा फील होता है और मैं एक अपने क्रिकेट पैशन से भी जुड़ी रहती हूँ। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली मोटिवेशन, किसी भी चीज़ में आप काम कर रहे हो तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ में स्टेप रखते हैं, स्पेशली क्रिकेट आप खेलना चाहते हैं और कोई भी आप और भी कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट अपने आप पर भरोसा रखिए और थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, ताकि आप उस चीज़ में आगे बढ़ सकें, और सबसे ज़्यादा अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस रखते हैं वही चीज़ आपको अपने एम की तरफ लेके जाती है। देखिए, पहले क्या था कि सिर्फ बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स वुमेन क्रिकेटर को मिलते थे, जैसे हम लोग खेलते थे सिर्फ एक ही टूर्नामेंट जो हम लोगों का इंटरस्टेट या नेशनल टूर्नामेंट्स होता था, वही सिर्फ मिलता था अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी पोटेंशियल दिखाने के लिए। लेकिन अभी IWPL भी एक काफ़ी अच्छा एक जरिया बन चुका है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को अपने वुमेन्स क्रिकेट को अपना शो दिखाने के लिए, अपना पोटेंशियल दिखाने
बनाने के लिए। और आज के टाइम पे क्रिकेट ने इतनी ज्यादा सक्सेस पा ली है कि मेंस के साथ वुमेन्स क्रिकेटर भी सेम कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो काफी ज्यादा मीडिया कवरेज भी मिलता है, तो लोग काफी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं वुमेन्स क्रिकेट के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है और आने वाले टाइम में वुमेन्स क्रिकेट भी उतना ही ज्यादा पॉपुलर होगा जितना कि मेंस क्रिकेट है। काफी हद तक ऊंचाइयों को छू चुका है लेकिन अभी आने वाले टाइम में और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी चीज है और WPL जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, एक हर वुमेन क्रिकेटर को काफी अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने के लिए। देखिए, दिल्ली का क्रिकेट कल्चर हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, यहाँ पे काफी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं और दिल्ली ने काफी सारे कंट्री प्लेयर्स भी दिए हैं इंडिया को खेलने के लिए, तो काफी अच्छा क्रिकेट कल्चर रहा है। और WPL के आने के बाद काफी यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होंगे। अभी काफी हद तक यहाँ पे ऑफ सीजन कैंप्स भी लगते हैं जिससे कि काफी इंप्रूवमेंट देखा जाता है वुमेन्स क्रिकेट में। या बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर ठीक है फैमिली लाइफ सब स्पेंड करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर भी अपने पैशन को आगे करने के लिए आप कुछ एम सोचते हैं तो उसको जरूर कीजिएगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम सबके साथ लगी रहती हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन अगर आप डिफिकल्टीज को देखेंगे तो आप डिफिकल्टीज को कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। हमेशा अपने एम को देखिए जो कि बहुत ऊपर है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये छोटी छोटी डिफिकल्टीज आपको दिखाई नहीं देगी। तो हमेशा अपने एम की तरफ देखते रहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और आप जरूर कंप्लीट करेंगे।